सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करो, ठीक है। मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोल रखी है जिसका नाम है जी सोशल ब्लेड। बेसिकली अलग अलग यूट्यूब चैनल की अर्निंग शो करता है, ठीक है जी। आपके सामने मैंने एक चैनल खोल रखा है जिसका नाम है जी बेसिक ज्ञान, और अगर मैं आपको बेसिक ज्ञान की अर्निंग दिखाऊँ ना तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3500 है। मैं यहाँ पर डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा, ओके। दूसरे चैनल पे आते हैं जिसका नाम है ये बुक, और अगर मैं आपको इसकी मंथली अर्निंग दिखाऊँ ना तो वो $10,000 से भी ज़्यादा है। और अगर तीसरे चैनल की बात करूँ, जो वन ऑफ माई फेवरेट चैनल है जिसका नाम है इंटरेस्टिंग टॉप टेन्स इन हिंदी, ठीक है, अगर मैं इसकी आपको मंथली अर्निंग बताऊँ तो वो $12,000 है। यहाँ पर मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रुपये में कितने छाप रहे हैं, ओके। अब ये तीनों के तीनों अलग अलग चैनल मैंने आपको क्यों दिखाए? बेसिकली तीनों चैनल में एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों के तीनों जो चैनल है अपना कंटेंट शो करने के लिए वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो का यूज़ करते हैं, या मैं कहूँ एनिमेटेड वीडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। देखो दिखा देता हूँ पहले तो आपको, जैसे कि यहाँ देख सकते हो वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ है, ये वाली भी वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो से बनाई हुई है, ये भी वाइट बोर्ड एनिमेशन है, ये बुक पे आ जाते हैं, ये भी, ये पूरा का पूरा चैनल ही वाइट बोर्ड एनिमेशन पे ही बेस है। जैसे यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये देख लो, इसका तो देखो थंबनेल से ही पता चल रहा है कि वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी देखो वाइट बोर्ड एनिमेशन, वाइट बोर्ड, ये तीनों के, ये जितने भी चैनल मैंने आपको दिखाए ना, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन पर ही बेस है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हो ना, सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका वाइट बोर्ड एनिमेशन ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा कॉन्शियस होते हैं, अपना फेस शो नहीं कर पाते और स्टार्टिंग में फेस शो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, आपको फेस शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर अगर हमने फेस शो नहीं किया, एनिमेशन वीडियो बनाई, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? ये जितने भी चैनल आपको दिखाए हैं ना, ये तीनों के तीनों मोनेटाइज है, और ये तीनों के तीनों के जो भी ओनर है, फाउंडर है, इन्होंने अपने अभी तक अपना फेस शो नहीं किया है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा जो दूसरा चैनल है मेन पॉइंट स्टडी, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पर स्टार्टिंग के 2 सालों तक मैंने अपना फेस शो नहीं किया था, बट फिर भी वो चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया था, 1 साल के अंदर ही मोनेटाइज हो गया था वो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि एनिमेशन वीडियो वाला चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, बट हाँ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बताऊँगा, बट पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ बनानी कैसे है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेन पॉइंट टैग पर, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करता हूं कि एक बच्चा या एक बड़ा या कोई भी पर्सन अर्न कैसे कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। मैं जैसे मैंने बताया मेरा चैनल है मेन पॉइंट स्टडी करके, तो मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखता हूँ जो ये कहते हैं कि सर हमें सैम्पल पेपर के लिए और भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अर्न कर सकें ऑनलाइन? तो उन्हीं के लिए मैंने चैनल बनाया मेन पॉइंट टैग, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, मेन फोकस इस पर रहेगा, और ऑब्वियसली बात है अगर स्टूडेंट कर सकता है तो कोई भी अर्न कर सकता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट टैग पे मैं ऐसी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आप फोन से कैसे, जैसे मैं इसके पॉपुलर वीडियो पे आ जाऊँ तो देखो एनिमेशन वीडियो तो आपको मिलेगी मिलेगी कि आप लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने वीडियो स्क्राइब के बारे में बताया, बेसिकली वीडियो स्क्राइब एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये ऐसी वीडियो बना सकते हो, कैसी, वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो वाली, आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ़ोन होता है, लैपटॉप नहीं होता, तो फ़ोन से भी आप बहुत तगड़ी एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। इसमें वॉइस थोड़ी ख़राब आएगी, क्यों? क्योंकि मैं लैपटॉप के अंदर चला रहा हूँ तो इसलिए, बट एक्चुअल में आप ये वीडियो खोल के देखोगे ना, वॉइस बहुत अच्छी है। देखो मैं शो कर देता हूँ पहले तो आपको, ये ऐड चलेगी, इस ऐड को पहले स्किप कर देते हैं, 3 2 1। अब देखो जरूर सोचते होंगे कि क्या ऐसी एनिमेशन वीडियो, शुरू से शुरू कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टैग। सो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसी एनिमेशन वीडियो देखकर जरूर सोचते हो, ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई ना। ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये बताया है, ये वाली वीडियो बना के दिखाई है कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ जी एनिमेशन वीडियो ही बताइए, और फिर उसके बाद पूरा स्टेप बताया कि आप कैसे फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर मैंने लैपटॉप से पूरा का पूरा बताया, इसमें भी स्टार्टिंग में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है जी। दिखा देता हूँ मैं, इसमें भी पहले ऐड चलेगी शायद। हेलो ऑल, सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऐसी एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी मैंने ये बताया है कि आप लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो स्क्राइब, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एक वाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ बना सकते हो, बट आप सिर्फ उस पर स्टिक मत रहो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं सर यही बताओ वीडियो स्क्राइब कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनीमेकर, इस वाली वीडियो में मैंने बताया कि आप एनीमेकर से कैसे वीडियो बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक
आप कह सकते हो वेबसाइट है, वेबसाइट से कैसे बना सकते हो आप एनिमेशन वीडियो, बढ़िया तरीका ये, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जैसे आप दूसरे का कंटेंट अपलोड करके, जैसे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा जो डोरेमोन वगैरह के एपिसोड अपलोड कर देते हैं, क्या अर्निंग होती है उससे? यस, अर्निंग होती है। कैसे अर्निंग होती है तो आप ये वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो और वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है कितनी नहीं होती वो भी मैंने बता रखी है। बेसिकली मैंने मेन पॉइंट टेक की भी मंथली अर्निंग जो है वो हमारे इसी चैनल पे शो कर रखी है। ये देखो मेरी फर्स्ट पेमेंट और मंथली अर्निंग शो कर रखी है मैंने, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने बेसिकली ये भी बताया है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खान सर की वीडियो, दृष्टि आईएएस की वीडियो क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। क्या उससे अर्निंग होती है? अर्निंग होती है, और एक नहीं बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली वही बताया, ठीक है जी। तो इस वाले चैनल को भी, इस वाली वीडियो को भी आप देख लेना, और बेसिकली मेन पॉइंट टैग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब एक बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना उन्हीं को ये बात सुनाई समझ आएगी। अब देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बनानी है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है, एनिमेशन पे तो करना ही करना है, वो तो आप बना ही लोगे, और बहुत सिंपल तरीका है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बनाई थी ना, तो मैं एक ही दिन में सारी की सारी चीज़ें सीख गया था। अब इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एनिमेशन वीडियो तो है ही है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वॉइस की क्वालिटी, ठीक है। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी ख़राब है या ऐसे ही है, तो दोस्त फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप खुद सोचो, आप किसी भी अपने 10 यूट्यूबर का नाम बता दो जो आपके फेवरेट है, जिनकी वॉइस क्वालिटी, मतलब उनकी वॉइस क्वालिटी ख़राब है बट वीडियो अच्छी है, बट फिर भी आप उनको पसंद करते हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जहाँ तक मेरे को पता है ना। आपको हमेशा वही यूट्यूबर या वही वीडियो पसंद आएगी जिसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि आप कॉन्टेंट दिखा रहे हो, कॉन्टेंट शो कर रहे हो लोगों को, वॉइस क्वालिटी तो अच्छी होनी होनी चाहिए। आप जैसे कि एक माइक देख सकते हो, 700 रुपये का माइक है, 700 से भी कम है, 600 रुपये का माइक है ये, और ये मेरे पास पता है कितने साल से, 3 साल से माइक मेरे पास है, ठीक है, 3 साल से, और वो भी मैंने अपने फ्रेंड से लिया था। तो इस माइक से बढ़िया कोई माइक नहीं है, ठीक है। इसका बोया M1 माइक है ये, ठीक है। मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो, बट उसके साथ ऑडियो क्वालिटी भी इंप्रूव करो, कैसे भी करो, चाहे आप माइक का यूज़ करो ना करो, चाहे महंगे माइक का यूज़ करो, सस्ते माइक का यूज़ करो, किसी के भी माइक का यूज़ करो। वैसे आपको महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, ये वाला माइक जो है वो मोर देन इनफ है। मेरा दूसरा चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर भी मैं इसी माइक से वीडियो बनाता हूँ, तो आपको महंगा माइक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यही परचेज करना, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का माइक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये माइक जो है इसके सिर्फ मैंने सेल चेंज किए, आज तक इसको कभी रिप्लेस नहीं किया। एक बार मेरे को लगा था ख़राब हो गया माइक, बट मैंने सेल चेंज किया तो दोबारा चल गया, ठीक है जी। बेस्ट माइक है, वन ऑफ़ दी बेस्ट माइक है, इससे ज़्यादा बेस्ट माइक कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया क्वालिटी वॉइस की आपको मिल ही नहीं सकती, चाहे कितना भी महंगा माइक खरीद लो, तो इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला माइक खरीदना, सबसे बढ़िया है ये माइक, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और एनिमेशन वीडियो में अगर आपको बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम आए, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, हमने मेन पॉइंट टैग का, सीधा जाके लिखोगे ना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है, एक ऐप है, तो मेन पॉइंट टैग आप लिखोगे टेलीग्राम पे, तो मेन पॉइंट टैग का ग्रुप आ जाएगा। 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर एडेड है, वहाँ पर आपको मेरा मैसेज करने का वो भी मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज वगैरह करके जो भी आपका सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए एनिमेशन वीडियो बनाने में, तो आप मेरे को बता सकते हो, वहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। और भी हमारे जैसे डिफरेंट चैनल है, जैसे कि ये मेरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं इस पर ब्लॉग वगैरह अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं नैनीताल वगैरह गया था, तो बहुत सारे ऐसे अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, पहले देख लेना, अगर अच्छा लगे तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेन पॉइंट गेमिंग का है, बहुत टाइम से इस पर वीडियो नहीं डाली, बट अगर देख लेना, मैं बेसिकली अपने स्टूडेंट के साथ ही जो है वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये चैनल भी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी कोई कंपलसरी है नहीं। मेन पॉइंट टैग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक पर्सन कैसे अर्न कर सकता है वो बताता हूँ, ठीक है जी। बाकी जैसे मैंने बता दिया, मेन पॉइंट टैग पे आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी सारी की सारी अर्निंग से रिलेटेड है, किसी को भी देखना मत भूलना, ओके। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, बाय बाय।